दोस्तों भले ही आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला लखनऊ की टीम ने दिल्ली कैपिटल से जीत लिया हो, मगर दोस्तों अब बीसीसीआई ने लखनऊ की टीम पर लगाया 7 करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल का प्रतिबंध। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं लखनऊ की टीम पर इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है बीते कल आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया, जिसमें लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए 6 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा काइल मार्श ने 73 रन की तूफानी पारी खेली। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब मैदान पर आई तो दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 143 रन बना पाई 9 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में, जिसमें सबसे ज्यादा डेविड वार्नर ने 56 रन की तूफानी पारी खेली। मगर दोस्तों लखनऊ की ओर से गेंदबाजी कराते हुए मार्क वुड ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, लेकिन दोस्तों मामला उस वक्त का है जब लखनऊ की टीम इस मुकाबले को जीत चुकी थी, उसके बाद सभी खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे थे तो डेविड वार्नर और गौतम गंभीर के बीच में हमें वाक्य देखने के लिए मिला, जबकि दोनों एक दूसरे को आंखें निकाल रहे थे। वो तो दोस्तों दोनों में लड़ाई नहीं हुई, नहीं तो कल बहुत ही भयंकर झगड़ा हो जाता। इसको देखते हुए गौतम गंभीर पर बीसीसीआई बड़ा एक्शन ले सकती है।